मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार का जैसे सिलसिला चल पड़ा है। 18 सालों के शिवराज राज में वो विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना तथा आत्मा छलनी करने वाले जुर्मों से पीड़ित हैं और इन सब के जिम्मेवार खुद शिवराज हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दो। सत्ता के नशे में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने न केवल आदिवासी अत्याचारों की सब हदें पार कर दी हैं, बल्कि मैं बहुत सोच कर कह रहा हूं और शायद कुछ रुक कर भी कह रहा हूं, बल्कि उनकी नरपिशाचिक करतूतों ने मध्य प्रदेश को पूरे देश में शर्मसार कर दिया। अब सुरजेवाला ने प्रदेश में आदिवासियों के लिए आदिवासी कल्याण चार्टर लाने की घोषणा की है, लेकिन इस चार्टर में क्या प्रावधान होंगे कांग्रेस ने अभी क्लियर नहीं किया है। बाकायदा एक एसटी चार्टर हम लेकर आ रहे हैं, उसको आज कहना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि वो पार्टी के अनुशासन की फिर परिधि में नहीं आएगा, उसकी भी एक दिन हम आपसे व्याख्या करेंगे मैम। अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए 18 सालों का हिसाब मांग रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि क्या सीएम आदिवासियों की जो पीड़ा है उस पर जवाब देंगे।